भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है। इस दौरे पर भारतीय टीम को एक टेस्ट मैच के अलावा तीन तीन मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। बता दें कि टेस्ट मैच पिछले साल की टेस्ट सीरीज का एक बचा हुआ मैच है, जो कोरोना के बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। ये टेस्ट मैच 1 जुलाई से दोनों टीमों के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा और इस मैच के शुरू होने से पहले भारतीय टीम को रोहित शर्मा के रूप में तगड़ा झटका लग गया है। भारतीय कप्तान को कोविड ने जकड़ लिया है। इससे पहले ओपनर केएल राहुल को चोट के चलते इंग्लैंड दौरे से बाहर होना पड़ा था। रोहित शर्मा का पहले टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध है और अब उनकी जगह मयंक अग्रवाल को भारतीय टीम में जोड़ा गया है। इंग्लैंड दौरा शुरू होने से पहले भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, जब टूर पर जाने से पहले ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोविड पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि अब वो टीम से जुड़ गए हैं, लेकिन इंग्लैंड में प्रैक्टिस मैच के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और अब इस टेस्ट मैच पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अगर ज्यादा खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव आते हैं तो शायद टेस्ट मैच रद्द कर दिया जाएगा। इस बाबत BCCI और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन अब भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बैकअप के तौर पर पूर्व टेस्ट ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया है। मयंक के आने से भारतीय टीम के पास पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग के लिए शुभमन गिल के साथ मयंक अग्रवाल का विकल्प होगा। देखते हैं कि उन्हें पहले टेस्ट मैच में खिलाया जाता है या फिर नहीं। अगर कप्तान रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से पहले फिट हो जाते हैं तो शायद मयंक अग्रवाल को टीम में मौका ना मिले। ऐसे में देखना होगा कि मयंक अग्रवाल को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल पाता है या फिर नहीं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।